नमस्कार, आज मैं बात करूंगा हमारा तथा प्रकृति के संबंध के बारे में। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तब चीज़ों के प्रति आपका जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा। और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जिस भी चीज़ के प्रति जिस तरह की विचारधारा हमारी होती है उसी के मुताबिक हमें जो है उससे वापस जो हम अर्जित करते हैं वो हमें मिलता है। अब वो हमें पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा वो चीज़ वो डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया उस चीज़ के प्रति क्या है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए, हमारे चारों तरफ भोजन मौजूद है, इस हवा में भी भोजन मौजूद है, वो अलग बात है कि हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। मान लीजिए ये पेड़ पौधे हैं, ये जो भोजन मौजूद है इस वायुमंडल में ये लोग इसे ग्रहण कर सकते हैं। किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ये उनका भोजन है। और ये भोजन ग्रहण करके जो चीज़ ये हमें देंगे वो हमारा भोजन है। ये दो प्रकार से हमें भोजन प्रदान करते हैं, एक तो ऑक्सीजन के तौर पे, जो ऑक्सीजन ये निकालते हैं वो भी हमारा भोजन है, और दूसरा भोजन अर्थात फल, सब्जियाँ, अनाज, इस प्रकार का भोजन भी ये हमें देते हैं। तो डायरेक्टली तो हम अपना भोजन नहीं बना सकते, जबकि पूरे वायुमंडल में भोजन मौजूद है, हम नहीं बना सकते। तो इस तरह से हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा और इनका कितना गहरा संबंध है। मान लीजिए वो नीम का पेड़ है, उसे काट देते हैं हम और जला देते हैं, तो जलने के बाद जो धुआं निकलेगा वो वायुमंडल में फैल जाएगा तथा फिर से किसी न किसी पेड़ द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाएगा, और जो राख बचेगा उसका वो ज़मीन के नीचे चला जाएगा और उससे भी पोषक तत्व इनको मिलेगा। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया में कुछ भी बर्बाद नहीं होता है, सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये नीम का पेड़ हमने लगाया था आज से तकरीबन 3-4 साल पहले, तभी लगाया था जब मैं सबसे फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम में आया था, उससे शायद 1 साल पहले नहीं, उसी टाइम। और आज धीरे 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 बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये कहाँ से चीज़ें ले रहा है? इसी तरह से भोजन जो है ये लोग ग्रहण कर रहे हैं और रिवर्स भोजन हमें दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा और इनका कितना गहरा संबंध है। जिस प्रकार का नज़रिया आप रखेंगे वही नज़रिया वो भी आपके प्रति रखेंगे। आपको शायद ये बात अटपटी लगे लेकिन ये सत्य है, सच्चाई है ये। इसमें एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, वो उदाहरण मैं कई दफ़ा आप लोगों को दे चुका हूँ। जब मैं प्रॉब्लम्स में था, समस्याओं में था, उस वक़्त दोपहर के वक्त लंच करके जब मैं ऑफिस से बाहर पार्क में ज़मीन पे जाके लेट जाता था तो वही भोजन बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता था। लेकिन वही भोजन वही लंच करके अगर मैं ऑफिस में ही बैठा रहता था तो वो खाना पचता ही नहीं था। शाम की बारी आ जाती थी खाने की, इवनिंग भोजन,
तब तक नहीं पछता था वो। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक गहरा संबंध है हमारा मिट्टी के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति। वही जब मैं पेड़ पौधों के नज़दीक रहता हूँ, मिट्टी के नज़दीक रहता हूँ, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम कितना बेहतर रहता है। और वहीं पे उसी के अपोजिट अगर हम ऑफिस में बैठ के वही एसी की हवा जो कि बनावटी हवा दे रहा है उसमें बैठे रहेंगे, तो आपका डाइजेशन सिस्टम डेफिनेटली वीक होना है, ख़राब ही होना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको केवल और केवल भोजन नहीं बदलना है, आपको अपना प्रकृति के प्रति नज़रिया भी बदलना है, इनके साथ जुड़ के रहना है, इनके साथ दोस्ती करके रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके करीब रहना है। इंसानों के द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स इत्यादि या शॉपिंग मॉल्स, इस तरह की चीज़ें, उनके बजाय आप प्रकृति के करीब जितना रहेंगे उतने ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारा और इनका आपस में गहरा संबंध है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तव में दुनिया की एक एक चीज़ के प्रति जो आप नज़रिया रखते हैं, अगर आप इनके प्रति पॉजिटिव नज़रिया रखेंगे तो वही आपको मिलेगा। ये बात कई लोगों को समझ नहीं आएगी, तभी समझ में आएगी जब प्रैक्टिकली उन्होंने इस चीज़ का अनुभव किया हो, और मैंने अनुभव किया है। कहीं ना कहीं मेरे 1.5 वर्षों के निरोगी जीवन में, 1.5 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है, पूर्ण रूप से निरोगी जीवन जी रहा हूँ ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा तथा साफ़ सुथरा स्वच्छ भोजन और प्रकृति के करीब रहने की वजह से। तो ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, सिर्फ कहने वाली बातें नहीं हैं। सो दोस्तों, भोजन के साथ साथ आपको अपना नज़रिया बदलना है और प्रकृति से जुड़ के रहना है, मैक्सिमम टाइम आपको इनके साथ व्यतीत करना है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।